Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. I'm Shashilata. Welcome to EVS class. Kids, today we are going to learn a new lesson. That is lesson number 9, Up in the Sky. है ना, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और आप सब जानते हैं अप इन द स्काई, सूरज आकाश में क्या क्या होता है, क्या है, सन है, मून है और स्टार्स हैं, है ना, यही दिखते हैं ना हमें आकाश में. तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. वी सी द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, चांद एंड द स्टार्स, तारे, इन द स्काई. हम सबने देखा है आकाश में सूरज को जो दिन में आते हैं, चांद को जो रात में चमकते हैं और तारे जो रात में चमकते हैं, स्टार्स, है ना. सो आपको देखा बचपन से, आपने चंदा मामा की स्टोरी भी सुनी होगी, है ना, स्टोरी है, राइम्स है, लोरी है, बहुत सी चीज है, बट आज हम इनके बारे में जानेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक द सन, यानी कि सूरज. देखिए क्या है, ये एक बहुत बड़ा आग का गोला है. ओके, ये क्या करते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, चमकते हैं और दिन हो जाता है, है ना, और छिप जाते हैं तो शाम हो जाती है, रात हो जाती है, इसी तरह दिन और रात होते हैं. चलिए, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, जो सूरज है वो दिन के समय चमकता है, है ना. द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, सुबह के टाइम चमकता है. आप सबने देखा है रात को सूरज को, नहीं देखा ना किसी ने भी, नहीं, क्योंकि ये दिन में ही आते हैं और शाइन्स करते हैं, चमकते हैं. द सन इज वेरी हॉट, सन क्या है, बहुत हॉट है, बहुत गर्म है. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, बॉल कैसी होती है, सर्कल टाइप होती है ना, ये एक आग का गोला है. क्या है हमारा सन, एक आग का गोला. द सन हेल्प्स लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स आपने पढ़ा था, लिविंग थिंग्स जो ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, है ना, और यहां से वहां मूव करते हैं. टू लिव एंड ग्रो, लिविंग थिंग यानी हम जैसे को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, ह्यूमन बींग्स को, ट्री को, ये जिंदा रहने में और उनको बढ़ने में हेल्प करता है. वो कैसे, देखिए जो हम हैं, अगर हमें सन की हीट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे. हम क्या खाते हैं, हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये खाते हैं, ये फूड है हमारा. अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे. अब फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और जो प्लांट्स है वो अपना खाना कहाँ से बनाती है, सूरज. बिना सनलाइट के कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता, है ना, और प्लांट ही है जिससे हमें फूड मिलता है, और वो हमें ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ कर रहे हैं ना, अभी सांस जो ले रहे हैं, वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है. तो सन क्या है, हेल्प लिविंग थिंग्स यानी कि जो लोग जिंदा हैं, मूव कर सकते हैं दूसरी जगह, उनको लीव, जिंदा रहने के लिए और उनको ग्रो करने के लिए सन की लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. विदाउट इट हम लीव ही नहीं कर सकते, हम सब मर जाएंगे. द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, सन हमें क्या देते हैं, रोशनी, लाइट और हीट हमें गर्मी देते हैं. विंटर सीजन में हमें कितना नीड पड़ता है, अगर सोचो अब हमारा विंटर सीजन चल रहा है और सन निकले ही नहीं तो क्या करेंगे, बताइए, बस कुछ भी नहीं, फिर धूप ही नहीं होगी, ठंड होगी और मर जाएंगे, है ना. तो क्या है, सन हमें लाइट देते हैं और हीट, इनसे हमें गर्म मिलता है, हीट मिलती है, गर्मास मिलती है. द सन मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट, सन क्या है, हमारे दिन को गर्म करता है, गर्म बनाता है और ब्राइट, चमकदार बनाता है. अगर सन नहीं निकलेंगे तो ऑब्वियसली डे दिन होगा ही नहीं, हम रात ही सोचते रहेंगे और सो जाएंगे, है ना. उजाला होता है तभी उठते हैं, ओके, तो फिर वो क्या होता है, उजाला कौन करता है, सन. सन से क्या मिलती है, रोशनी. द सन लुक्स स्मॉल एज इट इज वेरी फार फॉर अस, सन क्या है बताइए मुझे, सन हमें छोटा दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है.
जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि आपके पास टॉय है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन सबने देखा ओके, एरोप्लेन का टॉय है हमारे पास, वो इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा हमारे पास, लेकिन वही एरोप्लेन अगर आप स्काई में देखते हो तो आपको इतना सा दिखाई देता है। जो चीज हमसे बहुत दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई देगी, और जो चीज हमारे पास होती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है। सन, तो ये था सन के बारे में। क्या है सन? सन शाइनिंग करता है दिन में, ठीक है, चमकता है, और इससे ये बहुत हॉट होता है। क्या होता है? ये एक आग का गोला है ना, बड़ा विशाल आग का गोला, हुज बॉल ऑफ फायर। सन हेल्प करता है लिविंग थिंग को बढ़ने में, उनको जिंदा रहने में और उनको ग्रो करने में। सन से हमें रोशनी मिलती है, गर्माश मिलती है, और क्या करता है, ये हमें बहुत छोटा दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। ये हमसे कितना दूर है? 13 लाख, है ना, 13 लाख दूरी पे है ये हमसे, अर्थ से 13, हम अर्थ पे रहते हैं और ये 13 लाख गुना बड़ा है अर्थ से, है ना। और जो सन की रेज है, सन की जो रोशनी है, वो हमारे यहाँ कितनी देर पे पहुंचती है? 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड पे सन की जो रोशनी है वो हमारे अर्थ पर आती है ना। ओके, नाउ डे एंड नाइट, दिन और रात, सबको पता है, दिन सुबह, रात, नाइट रात। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट, द सन अपीयर्स यानी प्रकट होता है, सूरज निकलता है, उगता है, राइज यानी उगता है, कहां पे? पूर्व में, पूर्व में सूरज उगता है। व्हेन इट राइज अ न्यू डे बिगेन, जब ये उगता है, जब सूरज आता है, तो हमारा नया दिन शुरू होता है, हमारा दिन शुरू होता है, चिड़िया चहचाने लगती है, हम एक्सरसाइज करते हैं, उठते हैं, अपने घर के वर्क, अपने वर्क करते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, स्कूल पे जाते हैं, है ना। द सन अपीयर्स टू सेट, अपीयर्स माने जब सन छिपता है, सेट मीन्स छिपना, इन द वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम में, जब सन पश्चिम में छिपता है, व्हेन इट सेट, अगर ये छिप गया, छिपता है, डेज चेंज इनटू नाइट, जो हमारा दिन है वो किस में बदल जाता है? रात में बदल जाता है, है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो लिटिल बिट रिवाइज करते हैं, सन बादलों में, हम आकाश में क्या देखते हैं? सन, मून और स्टार्स। सन क्या होता है? जो दिन में निकलता है और ये दिन में चमकता है, ये एक बड़ा आग का गोला है, बहुत गर्म है ये, और ये मदद करता है लिविंग थिंग को जिंदा रखने में और उनको बढ़ने में। सन से हमें रोशनी मिलती है, गर्माश मिलती है, ये हमसे बहुत दूर है इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है, और इसकी जो रेज है वो हमारे पास, मतलब इसकी जो रोशनी है वो कितने दिन में, मिनट में पहुंचती है? 8 मिनट 16 सेकंड में, 8 मिनट 16 सेकंड में ये अर्थ पे हमारे पास पहुंचती है, और ये अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है। दिन और रात, जब सूरज उगता है ना, और पूरब में, ईस्ट में जब ये उगता है तो हमारा दिन शुरू होता है, और जब ये सेट होता है यानी छिपता है पश्चिम में, तब हमारी रात शुरू होती है। सो किड्स, ये था आज का आपका टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे मून्स और स्टार्स के बारे में। सो हैव अ गुड डे, टिल देन बाय।